मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा करते हुए कहा कि मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसके फेज 3 और फेज 4 पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर कहा कि पिछले 7 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामलों में कमी आ रही है। देश में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का है। वहीं प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर कहा कि प्रदेश में गेहूं का उपार्जन लगातार जारी है। अभी तक 1,16,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं। इसके अलावा लोगों को रोजगार देने को लेकर उन्होंने कहा कि श्रम सिद्धि अभियान के तहत 23,64,964 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। 1,00,000 से ज्यादा लोगों को काम दिया जा चुका है। कोरोना पॉजिटिव मामलों में आ रही कमी को लेकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मध्य प्रदेश हमारी कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। और जैसा आपको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान को दिया है उसके फेज थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फोर 5। उसी क्रम में दो पैकेज के बारे में पूर्व में चर्चा हो गई थी, मैंने आप सबको अवगत कराया था। आज फेज 3 और फेज 4 के बारे में चर्चा थी। मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम इसको नियंत्रण में लेते चले जाएंगे कोरोना। आप पिछले 5-7 दिन के आंकड़े उठाएंगे तो 7 दिन से पूरा हम घटाते चले आ रहे हैं और आज घटते क्रम में सिर्फ 165 केस कोरोना के आए, 118 डिस्चार्ज भी हुए। गेहूं की खरीद के बारे में पिछले साल से दोगुना गेहूं हमने इस साल खरीद लिया है। श्रम सिद्धि अभियान जो सभी को रोजगार देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया था उसमें हम 23,64,964 लोगों को अभी तक मजदूर काम पर लगे हुए हैं मनरेगा में। 1,95,989 काम मध्य प्रदेश में चालू हैं, रनिंग में हैं, जिन पर ये मजदूर लगे हुए हैं।